रेवाड़ी से बड़ी खबर बता दें आपको, दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है। करनावास और कनुका मोड़ के पास ये दो बड़े हादसे हुए हैं जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। 55 वर्षीय बुजुर्ग और 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तो दोनों युवकों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। एक का 55 वर्षीय बुजुर्ग और 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है रेलवे ट्रैक पार करते वक्त। ये बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां पर दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। करनावास और कनुका मोड़ के पास ये हादसे हुए, ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। 55 वर्षीय एक बुजुर्ग और 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है रेवाड़ी में। ये दोनों ही लोग हादसे का शिकार हुए हैं, दोनों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है, क्या जानकारी? रेवाड़ी में दो अलग अलग ट्रेन हादसे हुए हैं। इसमें पहला हादसा रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग, रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग है, इस पर करनावास गांव के पास हुआ है। इसमें 55 वर्षीय एक व्यक्ति है जो कल शाम को जो ट्रेन ट्रैक पार कर रहा था, रेलवे ट्रैक, इसी दौरान ओखा से देहरादून जाने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा रेवाड़ी और नारनौल रेलवे ट्रैक पर हुआ है। कनुका मोड़ के पास एक 35 वर्षीय युवक है जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, इसी दौरान जो है एक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस तरह रेवाड़ी में दो हादसे हुए, दोनों अभी अनोन बताए जा रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये दोनों ही युवक, दोनों ही जो शख्स हैं उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग और 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है रेवाड़ी में, दो अलग अलग हादसों में, दोनों ही ट्रेन की चपेट में आए हैं। करनावास और कनुका मोड़ के पास हादसा हुआ।